हेलो डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जे 2022 के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई जे 2022 विल बी अ वेरी इजी एग्जाम। क्यों आपके लिए जे 2022 क्लियर करना बहुत ज़्यादा सरल रहेगा एंड इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप लोग काफ़ी लकी बैच हो। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से और आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा अपनी प्रिपरेशन में भी और एग्जाम की तरफ भी आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वॉच इट टिल दी एंड। शुरू करने से पहले कि आज यार एक तो क्रिसमस है, तो मेरी क्रिसमस यार सभी को। एंड टुडे इज द लास्ट डे टू गेट माई जे 2022 कोर्स एट अ 50% डिस्काउंट। ओके, तो ये हमारी क्रिसमस एक ऑफर चल रही है तो इसका आज लास्ट डे है। आप इस पर एनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने ही आपको पढ़ाया है तो आपकी इसके अंदर सारी बैकलॉग भी क्लियर हो जाएगी विद इन 40 डेज और आपका 250+ तक स्कोर आप कर सकते हो ओनली बाय यूजिंग दिस कोर्स। तो मेरे लेक्चर्स आप पढ़िएगा, उसमें मेरे क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ सप्लाई किया है, वो पढ़ना। बहुत ही जल्दी बैकलॉग भी क्लियर होगी क्योंकि उसमें मैंने पढ़ाया बहुत ही अलग तरीके से। उसके अंदर जो चीज़ें टू द पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने डिस्कस सबसे प्रायोरिटी पे की है। और फिर आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस दिए गए वो भी उसी के ओरिएंटेड, उसी के अराउंड ओरिएंटेड है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अनदर कोचिंग जहाँ पे आपको ऐसे दुनिया भर का मटेरियल पकड़ा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक रिसर्च बेस्ड करिकुलम से पढ़ाया जाएगा जहाँ पे आपका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा फास्ट कंप्लीट होगा और समझ में भी आपको शानदार आएगा। तो आज रात से पहले आप इसको ले लें डिस्क्रिप्शन में जाके, और वहाँ पे आपको फ्री नोट्स वगैरह तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐप तो सबके पास होनी चाहिए अगर आप लेना चाहते हो। लास्ट डे है और बता दूंगा लास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं यार कि क्यों जे 2022 आसान होगा। तो यार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को सबसे पहले, तो मैं बहुत सारी कंटेंट डालूंगा यहाँ पे 2022 एग्जाम रिलेटेड जो आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है अपना डेट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ठीक है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो जिसमें मैंने डेट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की थी रिसेंटली, नहीं देखी हो तो मैं ऊपर लिंक कर दूंगा वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस बार 99% अपने जेई के एग्जाम फरवरी मिड से शुरू होंगे। ठीक है, फरवरी मिड के ऑनवर्ड्स होंगे और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी 4 होंगे। अब ये दोनों न्यूज़ हमारे लिए अच्छी क्यों है, ये एग्जाम को ईजी क्यों बनाती है, क्योंकि अभी दिसंबर भी खत्म नहीं हुआ है, दिसंबर में भी 4-5-6 दिन बचे हुए हैं, राइट। फिर जनवरी आएगा, फिर फरवरी के अंदर मिड में एग्जाम है, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड 50-55 डेज का एक बैठ रहा है जिसके अंदर आप बहुत अच्छा खासा अपना पढ़ाई कर सकते हो, राइट। इसके अलावा 4 अटेम्प्ट है। अब 4 अटेम्प्ट से कितनी ज़्यादा हेल्प होती है आपको पता नहीं है। कई बच्चों का पहले जैसे एक ही अटेम्प्ट होता था तो कई सारे बच्चे, अगर उनका एग्जाम अच्छा गया तो ठीक है, वरना खत्म है। ठीक है, इसीलिए जेई पहले बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाया करता था। जैसे मैंने 2017 में एग्जाम दिया था तो तब एक ही एग्जाम होता था बस, और उसमें भी 90 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग सब जगह। सही करके आया तो ठीक है, वरना अगले साल एग्जाम दो, राइट। तो वैसा आपके यहाँ पे नहीं है, आपके टाइम्स 4 एग्जाम है यार। अगर आपका किसी वजह से फरवरी एग्जाम अच्छा नहीं भी गया, बाय द वे वैसे तो अच्छा ही आएगा यार, आपका सब टैलेंटेड बच्चे हो तुम लोग, लेकिन अगर नहीं गया अच्छा तो आपके पास मार्च अटेम्प्ट भी है, फिर अप्रैल अटेम्प्ट भी है, फिर मई अटेम्प्ट भी है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई है। तो इसलिए एक तो एग्जाम थोड़ा आपका रिलेटिवली ईजी रहेगा, ये दोनों फैक्टर्स बच्चों आपके फेवर में एक्ट करेंगे। दूसरा कारण क्या रहेगा, दूसरा कारण रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स इस बार एक बहुत बड़ी चीज़ अच्छी करके गए कि यार आपका जो टर्म 1 एग्जाम है ना, CBSE वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली मैं, वो हो गया है पहले ही, है ना, आपका अभी भी दिसंबर में वो कंडक्ट हो गया, राइट। तो इससे दो चीज़ें हुई हैं। पहला तो ये कि आपने NCERT का थोड़ा बहुत रिवीजन कुछ कर लिया होगा, है ना, वरना आप NCERT के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर था तो आप लोगों ने अपना क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थोड़ा बहुत देखा होगा। अब ये चीज़ आपको अभी लग रहा होगा कि यार इससे क्या होता है, लेकिन जब आप जेई मेन दोगे ना फरवरी का, तब आपको रियलाइज होगा यार ये हम क्या बढ़िया कांड करके चले गए, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आएंगे और आपकी ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव होती है अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो, या आपने खुद भी नोट किया होगा। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि आपका जो टर्म 2 है, ठीक है, पहले क्या होता था कि एग्जाम जैसे बोर्ड का मार्च में या फरवरी में, राइट, तो बच्चों का पूरा एक बहुत बड़ा पीरियड है ना वो चला जाता था बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। अब लेकिन आपने थोड़ी तैयारी तो पहले ही कर ली आधी, तो आपका आधा स्कोर तो पहले ही सिक्योर हो गया, तो आपके अंदर तो कॉन्फिडेंस भी आ गया और आपका बोझ भी कम हो गया। फिर जब आपका टर्म 2 एग्जाम होगा ना, तब आपको इतना ज़्यादा एफर्ट उसमें नहीं डालना पड़ेगा जिस एफर्ट को आप जेई की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये जो बोर्ड एग्जाम की प्लेसमेंट है, कई लोग कह रहे थे कि यार ये जेई के लिए गलत है, मैं कहूँगा जेई के लिए अच्छा है ये, इससे आपका बोझ भी कम हुआ है प्लस आपका NCERT रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से पहले से ही हो गया है। अब बात करते हैं तीसरा फैक्टर। एक कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे जेई 2022 में कंपटीशन बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें 2021 के बच्चे भी आएंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया है, इस तरह की कई सारी बातें चल रही हैं। मेरा मानना है कि इसका उल्टा होगा। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, अगर आप 2022 पहले जाओ जेई 2020 का जो एग्जाम था वो अभी ये जो चल रहा है डिजिस उसकी वजह से थोड़ा सा अफेक्ट हो गया था, ठीक है, और वो थोड़ा पोस्टपोनमेंट वहीं से शुरू हुआ था, उससे पहले एकदम प्रॉपर एग्जाम होते थे।
तो ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ, तो कई सारे बच्चों ने ड्रॉप करके यहाँ पे एग्जाम दिया। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि 2020 में बच्चों ने ड्रॉप किया, हालांकि वो इतना बड़ा नंबर भी नहीं था कि भाई 2021 में डबल ही बच्चे हो गए, लेकिन थोड़ा बहुत आप कह सकते हो 5-10% चलो बच्चे इंक्रीज हुए। ओके, लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि 2021 में आपका 4 अटेम्प्ट हुए थे और 2021 के अंदर आपको काफी एम्पल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन टाइम मिला था। तो अगर कोई भी बच्चा जैसे 2020 का ड्रॉपर है, ठीक है, अब वो बच्चे का ऑलरेडी एक साल जा चुका है ड्रॉपिंग में, तो प्रोबेबिलिटी कम है यार कि वो एक साल और ड्रॉप करके एग्जाम देगा। प्लस 2021 में 4 अटेम्प्ट मिले बच्चों को, तो मुझे लगता है कि यार 2021 में ड्रॉपर्स की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि यार बच्चों को 4 अटेम्प्ट मिले यार, तो उसके अंदर कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता यार कि यार मेरा एग्जाम सिली मिस्टेक से खराब हो गया या ऐसा, मतलब उसको पता है यार कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है ड्रॉपर्स की संख्या भी इस साल थोड़ी कम रहेगी। और अगर नहीं भी मानो, अगर तुम ये मानो चलो भैया ठीक है यार चलो ड्रॉपर ज्यादा भी है, तो आप ये बात समझो ना कि यार जो बच्चा ड्रॉप करके आ रहा है, कभी भी ड्रॉपर्स में एक बात बताता हूँ, ड्रॉपर्स में बहुत ही कम लोग सीरियस होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग जो ड्रॉपर्स है वो ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, अब आप लोग तो चलो सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर, थोड़ा कॉन्शियस हो यार कि आप इस तरह की वीडियोज देख रहे हो, सब्सक्राइब वगैरह आपने कर रखा है, नहीं कर रखा है तो कर देना, राइट, तो आप थोड़ा कॉन्शियसली अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो, तो वैसे कुछ ड्रॉपर होते हैं। अदरवाइज बाकी ड्रॉपर जो है उनका क्या हुआ होता है कि उनको क्लास 12 में भी उनसे हुआ नहीं, फिर उन्होंने ड्रॉप ले लिया, फिर ऐसे 2-3 साल ड्रॉप लेके फिर लास्ट में बोल देंगे अरे यार हमारा हुआ नहीं, ऐसे कई सारे ड्रॉपर्स कोटा वगैरह में बैठे रहते हैं। तो आप लोग देखो कि वो संख्या इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है कंपटीशन को, इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है जितना आप सोच रहे हो। तो ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2021 से काफी सारे ड्रॉपर्स 2022 से कंपटीशन पढ़ाएंगे, यस नंबर बढ़ाएंगे, लेकिन कंपटीशन जो आपका होता है वो टॉप 50-60 हज़ार या 1 लाख बच्चों का ही होता है, उनमें जो एडिशन हुआ है वो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है। कुछ लोग होंगे 4-5-6 हज़ार ड्रॉपर्स जो सच में बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, जो यहाँ पे चैनल वगैरह देखते हैं, बाकी लोग आई डोंट थिंक कि कोई इतना ज्यादा सीरियस ड्रॉपर्स वगैरह होते हैं। तो ये जो फैक्टर है कंपटीशन वाला, वो मुझे लगता है पूरी तरह से इनवैलिड है, ये बच्चों में भय क्रिएट करने की एक प्रयास है और कुछ भी नहीं है। तो कंपटीशन आप अगर सोच रहे हैं कि 2022 में कोई बहुत ज्यादा होगा, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा कोई कंपटीशन इस साल होगा, ठीक है। तो ये तीनों फैक्टर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम भी फेवर में है, डेट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी आपके काफी ज्यादा होने चाहिए। अब एग्जैक्ट जब आएगा तब मैं और अपडेट कर दूंगा इस पे, लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्म मिल रही है अकॉर्डिंग टू मी काफी अच्छा ये फेवरेबल फैक्टर है, और कॉम्पिटिशन भी आपका कोई एक्सेसिव में नहीं है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है यार कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। प्रिपरेशन करनी कैसे, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है, मैंने उसकी एक स्ट्रेटजी वीडियो लिंक कर दूंगा ऊपर, मैंने क्या बातें बोली आपको, मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दी है। अगर नहीं पता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे मैंने लिस्ट डाल रखी है, 30 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो, 4-4-2 टाइम टेबल फॉलो करो। 4-4-2 टाइम टेबल क्या है, सुबह 4 घंटे, दोपहर में 4 घंटे, 2 घंटे शाम को, किसी का स्कूल कोचिंग वगैरह हो तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेना, लेकिन अगर आप फ्री रहते हो घर पे, अगर आपके पास पूरा टाइम फ्री है जैसा संडेज को होता है, हॉलीडेज में होता है, या जल्दी आपके स्कूल कोचिंग खत्म हो जाएंगे एंड यू कैन फोकस 100% ऑन ए प्रिपरेशन, तब आप इस टाइम टेबल से चले, 10 घंटे डेली पढ़ के करो, आराम से जेई निकाल लोगे, ठीक है, पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। ये मैंने आपको ऑप्शन नंबर 1 दिया था, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे ढंग से तो फरवरी अटेम्प्ट के अंदर आप 200 नंबर ला सकते हैं। जो मैंने 30 चैप्टर बताए हैं उनको सबसे पहले कवर करना है और 4-4-2 टाइम टेबल डेली फॉलो करना है, ये दोनों चीज करके देखो तुम्हारा नहीं सिलेक्शन होता है मुझे बता देना, हो जाएगा। और अब आपको अगर 250 प्लस स्कोर करना है, आप चाहते हो कि मेरे को इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है और आप चाहते हो यार कि हम एडवांस वगैरह के लिए भी एम कर पाए बाद में, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 मैंने दिया है, वो क्या है कि आप एकेडमिक्स के JEE 2022 अल्टीमेट कोर्स में एनरोल हो जाए, जिसपे आज आपको लास्ट डे है और 50% डिस्काउंट, ये ऑप्शन नंबर 2 है। दोनों ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हो, आपके पास अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, वैसे तो ये डिस्काउंट पे चल रहा है यार, आप ले सकते हो इसको सभी ऑलमोस्ट बच्चे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है किसी भी वजह से, तो आप ऑप्शन 1 भी दिया है कि 30 इंपॉर्टेंट चैप्टर दिए हैं उनको आप स्टडी से पढ़े, आपका 100% आएगा भाई 200 प्लस, बस तुम करके देखो यार, शुरू हो जाओ बस आ जाएंगे, ओके। और सेकंड ऑप्शन मैंने दिया है कि आप एकेडमिक्स JEE 2022 कोर्स में एनरोल होइए, वहाँ पे मेरे लेक्चर्स देखना शुरू करिए, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, काफ़ी ब्रीफली आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। कई सारे बच्चे मेरे साथ अभी 8,000+ बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ अभी टोटल, है ना, इतने बच्चे इन कोर्सेज का एडवांटेज पास्ट में और अभी ले रहे हैं, ओके, 3 साल से हमारे चल रहा है, तो काफ़ी फुल प्रूफ ये चीज़ एक है। इसी ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सब इन्हीं को फॉलो करके आपके कई सारे सीनियर्स IIT वगैरह में पहुँच गए हैं, ओके,
तो ये आपको जो मैं बता रहा हूँ पूरा एक्सपीरियंस और टेस्टिंग के बाद बता रहा हूँ, ऐसे ही हवा में नहीं फेंक दिया कि 30 चैप्टर की लिस्ट बना दी, 4-4-2 ऐसे कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे 250 प्लस लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों वर्किंग मेथड्स हैं, अब डिसाइड आपको करना है अगर आपको 200 प्लस चाहिए, और अगर आप नहीं ले सकते हो ये तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप ये ले सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स राजी हैं, पेरेंट्स को ऐसे कोई तंग नहीं करेगा कि अरे पापा मेरे को तो एकेडमी का कोर्स दिलाना ही दिलाना है, अगर वो तैयार हों तो आप उनको बोले, वरना ये ऑप्शन भी मैंने आपको दिया है। इसमें आप एनरोल होइएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज इस पर डिस्काउंट है तो आज ही आपको एनरोल होना रहेगा, उसके बाद प्राइसेज इसकी बढ़ जाएंगी, फिर आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, तो ऐसा काम हम क्यों करें, राइट। इसके अंदर आप मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से पढ़ना, जो भी क्वेश्चंस दिए हैं सब करना, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करना, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ 2-3 महीने के अंदर फेब्रुअरी अटेम्प्ट जब तक आपका आएगा ना बेसिकली, तब तक आपकी बैकलॉग्स भी क्लियर हो जाएंगी और आप काफ़ी अच्छा एक स्कोर इस तरह का लेके आ जाओगे। और इसमें एडवांस का कंटेंट भी है, तो बाद में फिर आप एडवांस का पढ़ोगे ना, जेईई मेन पे अटकना थोड़ी है, 250 प्लस लिया है फरवरी में, उसके बाद एडवांस की तैयारी शुरू, एडवांस में फिर टॉप 100 AIA लाके IIT बॉम्बे IIT दिल्ली का टिकट हम बुक करेंगे, ठीक है ना भाई। तो आई होप इस वीडियो से थोड़ी मोटिवेशन मिली हुई यार सभी बच्चों को कि एग्जाम अपना इतना हार्ड नहीं होगा जितना हमें लग रहा था, क्योंकि तो कोई डरने की बात नहीं है यार, कहीं से लोग क्या करते हैं आपको डराने के लिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोज या कंटेंट बनाएंगे, ठीक है। डराने वाली वीडियो चलती बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे, तो इसलिए बनाई जाती है, तो घबराओ मत यार, है ना, कंपटीशन वगैरह से कोई घबराने की बात नहीं है, और अगर कंपटीशन आ भी जाता है देखेंगे यार आगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गो टू द डिस्क्रिप्शन फॉर माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे ये लिंक दिए हुए, मैंने आपको ये दिए हुए सॉरी चैप्टर्स की लिस्ट, और अगर आपको मेरे कोर्स में एनरोल होना हो ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करना, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।